बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। बूढ़ा वस्तुओं के उपयोग के मामले में कंजूस था और उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। उसके पास एक पुराना चांदी का पात्र था, वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे संभाल कर संदूक में बंद करके रखा था। उसने सोच के रखा था कि सही अवसर आने पर ही इसका उपयोग करूँगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत आए। जब उन्हें भोजन परोसा जाने लगा तो एक क्षण बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों न संत को चांदी के पात्र में भोजन परोसूं। किंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि मेरा चांदी का पात्र बहुत कीमती है, गांव-गांव भटकने वाले इस संत के लिए उसे क्या निकालना। जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर पधारेगा तब यह पात्र निकालूंगा। यह सोचकर उसने पात्र नहीं निकाला। कुछ समय बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि चांदी का पात्र निकाल लूं, किंतु फिर उसे लगा कि ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने पधारेंगे तब अपना कीमती पात्र निकालूंगा। कुछ दिनों के बाद स्वयं राजा उसके घर भोजन करने के लिए पधारे। राजा उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि अभी अभी हुई पराजय से राजा का गौरव कम हो गया है, मेरे पात्र में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। इसलिए उसने चांदी का पात्र नहीं निकाला। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा। एक दिन वह बूढ़ा व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसका संदूक खोला। उसमें उसे काला पड़ चुका चांदी का पात्र मिला। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा, इसका क्या करें। पत्नी ने काले पड़ चुके पात्र को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसका क्या करना है, कितना गंदा पात्र है, इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल लो। उस दिन के बाद से घर का पालतू कुत्ता उस चांदी के पात्र में भोजन करने लगा। जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा, अंततः उसकी ये गत हुई। दोस्तों, किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब वह उपयोग में लाई जा सके। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती वस्तुओं का भी कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए यदि आपके पास कोई वस्तु है तो यथासमय उसका उपयोग कर लें, नहीं तो मन में पछतावे के और कुछ नहीं रह जाता और अफसोस रहता है कि काश हमने अपनी ली गई वस्तुओं का उपयोग कर लिया होता।